पलक जी, आप अभी पंडरौना में हैं और लगन पत्रिका फिल्म जैसे कि फिल्म का पलक तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज आप पंडरौना में हैं और आपकी भोजपुरी फिल्म लगन पत्रिका की शूटिंग चल रही है और जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है और खेत किनारे पीछे गन्ने का खेत है, सागौन की बागवानी लगी हुई है, इधर आम का पेड़ भी दिख रहा है और आपका ड्रेस रेड और ब्लू और ऊपर से ये रंग बिरंगा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ड्रेस का। थैंक यू सो मच राम जी। और क्या कहना चाहेंगे लगन पत्रिका फिल्म में? जी, लगन पत्रिका फिल्म का नाम बहुत ही मुझे पसंद है ये टाइटल, और फिल्म की शूटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है और सबसे अच्छा तो मुझे लोकेशन लग रहा है यहाँ का, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम लगन पत्रिका जैसी स्टोरी है उस हिसाब से लोकेशन भी है। बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ पर, लोकेशन के साथ इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपना गांव घर सब याद आ रहा है यहाँ पे पंडरौना में देखकर। यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जी जी, तो आप लगन कब कर रही हैं? ये सवाल बहुत ही कठिन है, और जब कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं लगन कर लूंगी। तो सपनों का राजकुमार कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है आपने? एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैं लगन कब करूंगी, शादी को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं कि पलक जी आपकी शादी कब होगी। तो मैंने एक सवाल किया, जब सलमान खान जी शादी करेंगे तब मैं कर लूंगी। तो भोजपुरी के सलमान खान की बात करें तो आपको कौन से स्टार में सलमान खान नजर आते हैं? भोजपुरी के स्टार में सलमान खान मुझे नजर आते हैं, जिनका स्टाइल लगता है सलमान खान जी जैसा, मैं जिनके साथ काम करती हूँ वही मुझे सलमान खान लगते हैं, पता नहीं क्यों। जो मेरे हीरो होते हैं फिल्म के वो मुझे सलमान खान दिखते हैं। तो कौन हीरो आपको सलमान खान दिखते हैं? अभी किस किस का नाम लूँ, कोई एक हीरो मेरे बुरा मान गए तो। ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, भोजपुरी के रजनीकांत खेसारी लाल यादव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको देख के तो मुझे गोविंदा जी याद आ जाते हैं, सलमान खान याद नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी तो मैं फैन हूँ, उनकी कॉमेडी की मैं फैन हूँ। क्या कॉमेडी करते हैं और क्या, मतलब जब मैंने उनके साथ फिल्म किया है और उनसे सीखना पड़ता है कोई भी चीज़, वो मुझे बताते हैं या सबको बताते हैं वहाँ पे, अगर कुछ नहीं आता है, कुछ भूल जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इतने अच्छे से वो समझाते हैं खेसारी जी, और मतलब पता ही नहीं चलता है कि सीन करते करते कब सीन ख़त्म हो गया। वो रियल में भी वैसे ही मस्ती करते हैं और वहाँ पे भी शूट पे भी वैसे ही, मतलब सीन में भी वैसे ही करते हैं, तो बहुत ही इंजॉय करके वो काम करते हैं, अब बहुत ही मस्ती करते हैं वो सेट पे। तो खेसारी जी के साथ कौन कौन मूवी किया है आपने? खेसारी जी के साथ मैंने, मेरी पहली फिल्म जानम थी, और जानम में मैंने मंतोष जी हीरो मेरे अपोजिट होते हैं उनके साथ मैंने सीन किया था, और सेकेंड मूवी थी मेरी जंग मेरा फैसला, तो ये दोनों फिल्में मेरी उनके साथ हैं। तो मेरी जंग मेरा फैसला में आप क्या किया था, आपका क्या रोल था, खेसारी जी का अपोजिट थे? खेसारी सर के साथ एक मेरा सॉन्ग था, और गाड़ी चलाते हैं वो और दुपट्टा लहराते हुए, वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। नाम क्या है गाने का? आप बस आप गूगल पे, इस पे यूट्यूब पे सर्च करिए मेरी जंग मेरा फैसला सॉन्ग, मैं आ जाऊंगी। तो क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छा लगा दोनों फिल्म करके उनके साथ, और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग सेट पे, उनके साथ बहुत ही मजा आता है काम करने। खेसारी लाल यादव जी, मैंने कहा कि मुझे गोविंदा याद आ जाते हैं। वाह, खेसारी लाल जी कई अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, इनकी लिट्टी चोखा फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो उनको मेरी तरफ से, लिट्टी चोखा टाइटल ही इतना अच्छा है और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है जी, तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी मेरी तरफ से, लिट्टी चोखा की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अभी उनकी फिल्म आशिकी आने वाली, जिसका ट्रेलर आया है, आपने देखा? आशिकी नाम ही ऐसा है, उसमें बहुत रोमांस किया होगा उन्होंने जी। तो आप कब रोमांस करने वाली हैं? मैं कब रोमांस करने वाली हूँ? किसके साथ करने वाली हैं? मैं जिससे शादी करूंगी उसके साथ रोमांस करूंगी। अच्छा जी, मतलब पियोग पहले हमार रालू वाला जो गाना है ऐसा कुछ?
ऐसा कुछ नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि जितना एंजॉयमेंट हम दोस्त के साथ करते हैं, तो अभी ये बात सही है, आपको भी इंतज़ार है कि मैं किसी के साथ डेट पे नहीं जाती हूँ और कहीं मेरा अफेयर नहीं है, कोई गॉसिप सुनने को नहीं मिलता, कोई गॉसिप सुनने को नहीं मिलता है जी। तो मैं सोचती हूँ कि आप ही कोई लड़का बता दीजिए राम जी, जिसके साथ मैं अफेयर कर लूँ। मैं कैसे? आप न्यूज बनाते रहिएगा। ये तो सवाल पूछने वाले से सवाल पूछ लिया गया। वाह। तो बात करें लगन पत्रिका को लेकर, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? लगन पत्रिका बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही मस्ती से काम कर रहे हैं और बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं आनंद जी, और प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। हीरोइन जो हमारी फिल्म की मनी जी हैं, मनी जी भी, जबकि उनकी तबीयत ख़राब है मनी जी की, और फिर भी शूट कर रही हैं वो, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही लगन से काम कर रही हैं। मनी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी पहली फिल्म है और मैं देख रही हूँ उनको कि कितनी मेहनत कर रही हैं। दो दिन को फीवर था, बुखार में भी वो कंटिन्यू सेट पे बैठ के सबके साथ हंसना बोलना, एहसास नहीं हो रहा है कि वो, उनको दो दिन फीवर था और फिर भी वो शूट कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिल्म के हीरो की बात करें, हीरो भी बहुत अच्छे हैं, जॉली माइंड है और अच्छी बात है कि बहुत आगे बढ़े काम कर रहे हैं वो जी। मेरी भी पहली फिल्म है विमल जी के साथ जी। आपका बर्थडे है 7 नवंबर, क्या तैयारी चल रही, कहाँ पर सेलिब्रेट करने वाली और नया क्या धमाका करने वाली हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि मेरा 7 नवंबर बर्थडे है तो कोई पार्टी दे दे मेरे बर्थडे का, कोई और धमाल कर दे तो ज्यादा अच्छा है इंडस्ट्री में, देखते हैं कौन मेरी बर्थडे का पार्टी कोई और दे दे तो ज्यादा अच्छा है ना, नेता तो देने वाले, मेरा खर्चा बच जाएगा। जी जी जी। नहीं तो मैं तो किसी किसी को पार्टी दूंगी, पूरी इंडस्ट्री को मैं दे नहीं सकती हूँ, तो मैं सोच रही कि कोई मतलब वो कौन होगा, वो खास होगा, तो जिसको कौन होगा जो मेरा बर्थडे पार्टी देगा। अच्छा, मुझे लगा आप बर्थडे पार्टी मनाने बुलाने वाली हो, जो खास होगा। नहीं, बुलाने को तो मैं अगर बर्थडे पार्टी बनाऊंगी तो मैं सबको बुलाऊंगी, पूरी इंडस्ट्री को इनवाइट करूंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करूं जहाँ पे मेरे जितने जानने वाले इंडस्ट्री के हैं सब लोग इकट्ठे हो, गेट टुगेदर हो और हम लोग पार्टी करें, मस्ती करें, एंजॉय करें, जिन जिन के साथ काम किया है और जिनके साथ नहीं किया है उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी मैं। चलिए, आपको ढेर सारी बधाई और मेरी तरफ से, हमारे पूरी चैनल वाली टीम की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से आपको एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही ऑडियंस मुझे प्यार करते रहिए। मैं हूँ आपकी एक्ट्रेस पलक तिवारी, मैं सोशल मीडिया पे यही लिखती हूँ और यहाँ भी यही बोल रही हूँ। लगन पत्रिका फिल्म के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि ये फिल्म बहुत अच्छी हो और दर्शक देखकर पसंद करें, क्योंकि शादी विवाह का जैसा मतलब आजकल फिल्में पारिवारिक बन रही है, वैसे ही ये फिल्म बन रही है, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म, नाम ही ऐसा है लगन पत्रिका, तो पूरी फैमिली बैठ के इस फिल्म को देखेंगे जब रिलीज होगी बहुत जल्द। और क्या बोलूं आपसे, बस मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, लव यू। चेंज इंटरव्यू बोल रहे थे ना, हाँ इसे खड़ी रही, आप पोज बनाते रहे, पैर मत फैला करिए। हाँ मुझे जीन्स वाली आदत नहीं, नहीं।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.